पाकिस्तानी शादी में बीड़ी जलाई ले गाने पर झूम कर नाची ये जोड़ी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। शादी एक ऐसा इवेंट होता है जब लोग खुले मन से शरीक होकर डांस कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी एंटरटेन कर सकते हैं। आजकल लोग अपने देसी स्टेप्स को भी कोरियोग्राफ करते हैं और अपने चाहने वालों की शादियों में मनपसंद गानों पर परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान के एक वीडियो में एक जोड़ी बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया गाने पर जमकर थिरकी और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को पाकिस्तान के एक वेडिंग फोटोग्राफी पेज सिग्नेचर बाय बिलाल एजाज द्वारा पोस्ट किया गया। आपको याद होगा कि ये गाना बॉलीवुड फिल्म ओमकारा का है और इसमें एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने देसी अंदाज में गजब डांस परफॉर्मेंस दी थी। ये फिल्म साल 2006 में आई थी। वीडियो में एक शख्स जिसके सफेद बाल हो चुके हैं और एक महिला जो इस गाने पर ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रही है, दोनों अपने एनर्जेटिक मूव्स दिखाते हुए गाने पर खूब डांस कर रही है। महिला ने नारंगी शरारा पहना है जबकि शख्स कुर्ता और पैजामा में दिखाई दे रहा है। डांस मूव से ज्यादा उनकी केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरी। वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, कितना पावरफुल परफॉर्मेंस है, दोनों ने डांस फ्लोर पर खूब धूम मचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद कहा कि जोड़ी कमाल की है, दोनों ने बॉलीवुड सॉन्ग पर शानदार ठुमके लगाए। बताते चलें कि पिछले साल नवंबर में आयशा नाम की एक पाकिस्तानी महिला ने मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर अपने आकर्षक डांस परफॉर्मेंस से ये वायरल हो गई थी। इंटरनेट को लता मंगेशकर द्वारा गाए गए पुराने गीत पर उनके डांस से प्यार हो गया और ये 1953 की फिल्म नागिन का एक हिस्सा था। हरे रंग का कुर्ता पैजामा और कलाई पर कलीरा पहने हुए आयशा ने शानदार अंदाज में डांस मूव्स दिखलाए थे और अभी भी वो गाना लोगों के कानों में गूंज रहा है।